नमस्कार, मैं डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरो सर्जन, बरेली में लाइफलाइन हॉस्पिटल में डायरेक्टर के पोस्ट पर हूँ। और हम लोगों ने करीब 11 साल पहले अपना ये लाइफलाइन हॉस्पिटल न्यूरो ट्रॉमा के रूप में स्टार्ट किया था, जो बाद में मल्टी स्पेशलिटी के रूप में भी कन्वर्ट हो गया। अभी हमारा हॉस्पिटल 80 बेडेड हॉस्पिटल है, जहाँ हम लोग ब्रेन एंड स्पाइन के सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। और करीब 11 सालों में करीब बरेली आए मुझे 17 साल हो गए, और ये अपने इस हॉस्पिटल में 11 साल हो गए। और इन 17 सालों में हम लोगों ने नीरू के करीब करीब 6,000 से ज़्यादा ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया है। हमारे यहाँ करीब करीब 30-32 बेड का ICU है, अपना HDU है, जनरल वार्ड है, प्राइवेट रूम है, CT स्कैन है, डायलिसिस की सुविधा है, क्रिटिकल केयर, हम मल्टी स्पेशलिटी की सारी वो फैसिलिटी हमारे पास उपलब्ध है, जो किसी भी ट्रॉमा सेंटर या क्रिटिकल केयर सेंटर पे होना चाहिए। यहाँ हमारे पास 2D इको, अल्ट्रासाउंड, EFD, EFT, कंटीन्यूअस कार्डिक मॉनिटरिंग के लिए मॉनिटर्स लगे हुए हैं, वेंटिलेटर की सुविधा है, मॉडर्न OT है, एंड लेटेस्ट हम लोगों ने नीरो नेविगेशन के की मशीन को लाने में सफलता पाई है काफ़ी प्रयासों के बाद। और यह एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी यह पहला ही है जो हमारे लाइफलाइन न्यूरो ट्रॉमा सेंटर में ही उपलब्ध है। इससे हम लोग को ब्रेन की जटिल ऑपरेशनों में सहायता मिलती है। ये फैसिलिटी सिर्फ यहीं अवेलेबल है, और इसके हमने काफ़ी ऑपरेशन उसकी सहायता से की है। हमारा मॉडर्न OT है, मॉडर्न OT में जैस की काफ़ी बढ़िया मशीन है हमारे पास, सियाम है, एंड इंडोस्कोपिक सर्जरी के साथ साथ नीरो नेविगेशन की सारी व्यवस्था है। इस तरह का अपने आप में बरेली का पहला या लेटेस्ट मॉडर्न OT है, जो नीरो सर्जरी के केस के लिए काफ़ी मायने रखता है। इसमें ब्रेन के जटिल ऑपरेशन, डीप चेस्ट ऑपरेशन, डिफिकल्ट ऑपरेशन, स्पाइन के ऑपरेशन आदि को करने में काफ़ी सुविधा मिलती है। इस मशीन के द्वारा अब ब्रेन के अंदर के ऑपरेशन जो है हमारा मॉडुलर OT है, एंड मॉडुलर OT नीरो सर्जरी के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ होता है। OT हमारा वेल इक्विप्ड है, और यहाँ पर सियाम, जायरोस्कैन, बहुत अच्छे क्वालिटी के माइक्रोस्कोप, दूरबीन से ब्रेन एंड स्पाइन के करने की सारी सुविधा है। साथ ही साथ नीरो नेविगेशन की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। नीरो नेविगेशन एक लेटेस्ट मशीन है जो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद ये पहला ही है हमारे पास, और इससे दिमाग के अंदर के जटिल ऑपरेशनों को करने में काफ़ी सहूलियत मिलती है, काफ़ी सुविधा होती है। इसमें हम लोग कितने ऑपरेशन हैं जो नाक के रास्ते दूरबीन विधि से भी दिमाग के अंदर तक टारगेटेड ऑपरेशन कर लेते हैं, ब्रेन के डीप सीक्रेट ऑपरेशन, ट्यूमर को निकालना हो, या कोई ब्रेन हेमरेज के केसेज हैं, या और भी जटिल ऑपरेशन है उसको करने में सुविधा मिलती है। रीढ़ के हम लोग सभी तरह के ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे हैं, ऊपर में सर्वाइको ऑक्सीपिटल जंक्शन से लेकर CD जंक्शन से लेकर और नीचे लंबोसैक्रल स्पाइन तक के सारे फिक्सेशन हमारे यहाँ हो रहा है। स्पाइन के ट्यूमर, चोट लगे हुए स्पाइन के, स्पाइनल इंजरी के पेशेंट, सर्वाइकल के ऑपरेशन या स्पाइनल ट्यूमर आदि सारे ऑपरेशन बरेली में जो भी संभव हैं हमारे यहाँ हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास बहुत ही अत्याधुनिक ICU है। कोई भी सेंटर जो क्रिटिकल केयर डील करता है या ट्रॉमा का सेंटर होता है या जहाँ पर सीरियस मरीज ज़्यादा होते हैं, उनका ICU बहुत अच्छा वेयर इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास 20-22 बेड के ICU हैं जो अच्छे मॉनिटर हैं, वेंटिलेटर सही हैं, एंड 24 घंटे बहुत ही प्रशिक्षित अच्छे स्टाफ एंड डॉक्टर देख रेख में हमारे ICU काम कर रहे हैं। हमारे पास इन हाउस CT स्कैन की सुविधा है, जिससे हम 24 घंटे CT स्कैन एंड लैब की सुविधा है, ABG एनालिसिस वगैरह हम बेड साइड ही कर लेते हैं। इसके अलावा दिमाग की EEG की सुविधा है, जो बेड साइड भी संभव है और लैब में भी हमारे संभव है। सर ये संभव न्यूरो सर्जरी के अलावा हमारे पास जनरल फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, प्लास्टिक सर्जन, कैंसर सर्जन, पैथोलॉजी लैब, हमारी मैडम ये हैं डॉक्टर अंशु सिन्हा, ईवो सर्जरी,
जनरल सर्जरी, इन सारी सर्जरी की या गायनी की सुविधा है हमारे पास। हमारे पास NICU है वेन इक्विप्ड, जिसमें सीरियस बच्चों का इलाज करने के लिए वेंटिलेटर सही सारे मशीनें हमारे पास लगी हुई हैं, और इन सभी ब्रांच के डॉक्टर राउंड द क्लॉक हमारे हॉस्पिटल को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। करीब 11 साल हमारे इस लैक एंड बरेली हॉस्पिटल के पूरे हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने अपना एक और ब्रांच हॉस्पिटल यहाँ से 40 किलोमीटर दूर रिसेंटपुर में खोला है, जिसका भी नाम लाइफ लाइन रिसेंटपुर है। और वहाँ भी हमने सारी अत्याधुनिक फैसिलिटी जैसी इस तरह सुविधा बरेली में उपलब्ध है पूरी पूरी वही सुविधा वहाँ दी है। और वहाँ पर हमने डॉक्टरों के रहने के आवास भी बनाए हैं, जिससे 24 घंटे डॉक्टर की उपलब्धता वहाँ पर है। करीब 4 महीने पहले से हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, जो मल्टी स्पेशलिटी ट्रॉमा सेक्टर के रूप में उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और काफ़ी मरीज को उस क्षेत्र के मरीजों को वहाँ फ़ायदा भी दे रहा है।